हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। एंड आज हमारे साथ हमारे सेशन में है श्रीजेश। सो अबाउट श्रीजेश, ही हैज जस्ट क्लियर्ड हिज कैट एग्जाम्स, देन ही गॉट सेलेक्टेड विद IIM अहमदाबाद। सो टुडे वी विल टॉक कि किस तरीके से इनका पूरा जर्नी रहा, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन किया, एंड क्यों एक CA होके भी ही चूज टू डू MBA आल्सो। सो वेलकम श्रीजेश टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच कुंजन। हाय, हाउ आर सो यू? आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड। आपने एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि यू नो सीए ओके बी क्यू एमबीए किया। सो राइट बेसिकली व्हेन आई वाज वर्किंग एट ट्रस्ट ग्रुप आई रियलाइज्ड यू नो मेरा करियर प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्टैग्नेंट हो गया था एंड मेरे को कई थोड़े और प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने थे। बट देर वॉज दिस यू नो इम्पेडिमेंट एज एन एक ऑब्स्टेकल था कि यार कहीं ना कहीं तो अगर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो फिर सिर्फ सीए डिग्री के बदौलत मैं शायद आगे जाके यू नो इतना एक्सेल नहीं कर पाता। तो फिर मैंने कुछ लोगों से बात किया इंडस्ट्री में एंड देन उन्होंने सबने बोला कि यार यू नो गो फॉर PGP। एंड मैंने अपने मैनेजर से भी बात किया था, उन्होंने बोला कि आप PGP कोर्स पर चुके लो MBA या कोलोकियली नोन एज PGP, राइट तो राइट PGP में आप MBA वगैरह परसों करने ट्राई करो एंड स्पेशली फ्रॉम टॉप 10 इंस्टीट्यूट। सिंस यू आर अ सीए तो इट मेक्स मोर सेंस फॉर यू टू परसों योर MBA फ्रॉम टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स, वन ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट। तो मैंने वही वही दिमाग में रख के मैंने कैट एंड जैट एग्जाम लिखा था एंड या दैट वॉज द मेन मोटिव नॉट करियर प्रोग्रेशन के लिए मैंने ये किया था, MBA करने का सोचा था। ओके, सो लाइक आपने प्रिपरेशन कैसे किया? बिकॉज आपकी उस टाइम जॉब चल रही थी, तो जॉब छोड़ के किया या फिर आपका पूरा किस तरीके से प्रिपरेशन रहा था? तो आई स्टिल रिमेम्बर मैंने May 22 में मैंने अपना जॉब छोड़ा था एंड June 22 से मैं फुल टाइम स्टूडेंट था और मेरा फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन भी June 22 से ही स्टार्ट हुआ था। सो मैंने अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया था एंड मैंने दो ट्यूटर्स को फॉलो करता था अनअकैडमी में, रवि प्रकाश सर एंड शबाना मैम, शबाना साहब मैम, उन दोनों को फॉलो किया था। शबाना साहब मैम फॉर VARC एंड रवि प्रकाश सर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DLI। सो दीज आर द थ्री सेक्शंस यू हैव इन कैट एग्जाम। सो इन दोनों को फॉलो करता था मैं एंड ये इन 6 महीनों में मैंने अपना प्लान जो किया था कैट एग्जाम के लिए वो प्रॉपरली मेरे को एग्जीक्यूट करना था। तो मैंने तीन थ्री थ्री एंड हाफ मंथ्स मैंने पोर्शन कंप्लीट करने को लिया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड राइटिंग मॉक्स। सो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 40 मॉक्स मैंने टारगेट रखा था टू अटेम्प्ट एंड मैंने 40 मार्क्स लिख लिए थे। 40 मार्क्स में आई यूज टू ट्रैक माई स्कोर्स एज वेल, लाइक यू नो कि हर एक मार्क में मेरा इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रहा है क्या, मतलब मेरा मार्क्स बढ़ रहा है क्या। सो कभी ऊपर नीचे होता था बट एक ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन देखने की वजह से कहीं ना कहीं तो आई रियलाइज किया मैं प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ विद टाइम। सो दैट वॉज वन मोटिवेटिंग फैक्टर एंड वो कॉन्फिडेंस भी काफी देता है आपको ऑन द एग्जाम डे। सो या सो प्रिपरेशन में VARC ऑब्वियसली वाज रिलेटिवली माय स्ट्रॉन्गर सेक्शन। VARC के लिए मैंने wordpandit.com से भी काफी सारे RCs देखे थे एंड मैं रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ता था सिंस आई बिलोंग टू इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कम्युनिटी, इक्विटी रिसर्च कम्युनिटी से। तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत रीडिंग का तो ऑलरेडी हैबिट था। फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिस वाज द वीकेस्ट सेक्शन फॉर मी। अ लॉट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स या CAs को भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी चैलेंजिंग होगा। सो उनको मैथ्स से टच निकल जाता है सिंस हम लोग को कैलकुलेटर्स होता तो करके कहीं ना कहीं तो मैथ्स हम लोग मेंटली कैलकुलेट नहीं करते चीजें, तो उसके वजह से टच निकल जाता है एंड इसके वजह से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काफी काफी ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, तो यार फॉर जैसे LRD हमारे यहाँ कैलकुलेटर होते हैं, वैसे वहां पे यूज नहीं कर सकते कैलसी? आपके पास एक स्क्रीन, ऑनलाइन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है बट वो काफी इनएफिशिएंट होता है। लाइक यू नो आपको क्लिक करके एक एक नंबर क्लिक करना पड़ता है कि यार यू नो 33 पे लेके जाओ, 4 पे लेके जाओ, देन मल्टीप्लाई, तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है एंड आपके पास उतना टाइम होता नहीं है टू यू नो टू इन्वेस्ट फॉर दैट। तो इसके लिए आप मेंटली जितना आप फास्ट होगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपका एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा। सो ऑब्वियसली मेंटल मार्क्स में आपको कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है एंड टफ टफ कैलकुलेशन यस ऑब्वियसली। अभी आप बोलोगे मतलब 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन वगैरह होगा तो इट मेक्स सेंस फॉर यू टू यूज दैट कैलकुलेटर, बट 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सब आप अगर मेंटली कर पाओ तो इट्स वेरी गुड। फिर LRD है, ये तो काफी जनरल सेक्शन है। आई मीन यहाँ पे एज सच कोई भी स्ट्रॉन्ग या कोई भी वीक नहीं होता,
ये विद प्रैक्टिस ही आपको आएगा, मतलब इसमें कोई आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, बट इट इज समवॉट कॉमन जनरल नॉलेज, मतलब समवॉट कॉमन सेंस होता है, बट अगेन कॉमन सेंस में भी आपको कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस के साथ वो आ जाएगा. सो कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक 500 600 प्लस सेट्स अगर आप करोगे तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगा. सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी, लाइक यू नो मैंने अपना प्रिपरेशन यानी हाफ स्प्लिट किया था कंप्लीट द पोर्शन, हाफ फॉर राइटिंग मॉक्स, दैट वाज माय स्ट्रेटजी. ओके, सो लाइक आपने इतने टाइम बाद स्टडीज कर रहे थे बिकॉज सीए में स्टडी किया था, सीए का वैसे ही टफ होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा लाइक एमबीए के लिए आपने हाउ डिड यू लाइक मेंटली पूरा प्रिपेयर करा खुद को कि नहीं अभी मुझे वापस से जो है जॉब के अलावा वापस से पढ़ाई वाले मोड में जाना है? ऑब्वियसली ये काफी चैलेंजिंग फैक्टर था, एज इन मेरे को अभी भी याद है जब मैं ये डिसीजन ले रहा था कि जॉब क्विट करके मेरे को एमबीए या फिर कैट परसू करना है, वो एक काफी टफ चैलेंज, काफी टफ डिसीजन था. सो उसके लिए एक चीज दैट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल एग्जाम्स लिखो एंड नॉट जस्ट कैट, आपको अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स भी लिखना चाहिए एंड दैट डाइवर्सिफाई. सो सीएस में, सीएस के खून में है कि वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करते, राइट? सीए के साथ आप बीकॉम भी करते हो, कुछ और कोर्सेज, कुछ अगर सर्टिफिकेट, हाँ, आर्टिकलशिप आपका चल ही रहा था, तो आप सारे बहुत सारी चीजों को केटर करते हो, तो कहीं ना कहीं तो वो आपको एक डायनामिक इंसान बनाता है. एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू केटर टू अ लॉट ऑफ बकेट्स, राइट? सो यही मैं भी कर रहा था. मैं सिर्फ कैट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा था, मैं दूसरे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था. एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़े बहुत एनजीओ, एक एनजीओ के साथ मैं एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को मैथ्स भी सिखा रहा था एट द सेम टाइम. So, मजा आ रहा था. I mean, I was enjoying this thing. थोड़ा सा obviously you will be surrounded by a lot of uncertainties. आपको काफी सारे questions आएंगे mind में कि यार ये अगर ये नहीं हुआ तो मेरे को वापस से job करना पड़ेगा, ना आपके कहीं ना कहीं तो resume में gap year लग जाएगा. Right. So वो सब तो thoughts रहता ही है, but again you cannot settle with those thoughts, right? आपको कहीं ना कहीं तो खुद को मोटिवेट करना होगा, आपको मेंटर से बात करना होगा, आपके फैमिली एंड रिलेटिव से बात करना होगा, एंड देन यू गेट मोटिवेटेड एंड देन यू हैव टू फोकस योर अटेंशन टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, बैक टू योर प्रिपरेशन. यही मेरा विषय. राइट. सो इसमें ना इंटरव्यूज भी होते हैं, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज? लाइक आपने कुछ मॉक इंटरव्यूज दिए थे, कितने दिए थे, कैसा, कहां पे इसका एनरोल किया था? सो मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने ऑब्वियसली अनअकैडमी को फॉलो किया ही था, एंड मैंने एक बीट्राइब करके एक वेबसाइट है bitribe.com, तो उनका एक मेन फैक्टर था कि दे वर प्रोवाइडिंग 10 इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज. सो मेरे को यही था कि जैसे कैट के लिए मैंने काफी ज्यादा मॉक्स लिखे थे, जैसे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैंने ज्यादा मॉक्स लिखे थे, कहीं ना कहीं तो मेरे को ओमेट्स के लिए भी ज्यादा, मतलब ज्यादा इंटरव्यूज के लिए भी ज्यादा मॉक्स देने थे. तो इसके वजह से मैंने अपने एचआर क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था अच्छे से, एंड हर एक मेन इंटरव्यू के पहले मैं मैं अपना एक बीटर, एक मॉक इंटरव्यू दे देता था. अच्छा. तो इसके वजह से ड्यूरिंग द मेन इंटरव्यू कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि यार इवन इफ इट डजंट वर्क इन माय फेवर, कहीं ना कहीं तो मैंने प्रिपेयर तो किया हुआ, एंड दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू कैरी ऑन द इंटरव्यू डे एज वेल, राइट? इंटरव्यू डे में दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द रूफ, कुछ भी पूछ सकते, बट यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एंटायर थिंग. इट्स जस्ट दैट हाउ यू टैकल दोस क्वेश्चंस एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन द एग्जाम, ऑन द इंटरव्यू डे, दैट इज रिलेवेंट, दैट बिकम्स रिलेवेंट आफ्टर अ पॉइंट. सो ये आपको कहीं ना कहीं तो मॉक इंटरव्यूज आप जितने दोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप अपने आंसर्स को भी रिफाइन कर सकते हो. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एचआर क्वेश्चंस जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिफाइन करना होता है आंसर्स, लाइक आप फर्स्ट ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं तो अभी लेट्स से टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं तो इन डिस्पाइट द फैक्ट दैट हम लोग एम्प्लॉयड है, ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो आपको ये बार बार ड्राफ्ट करना होता है, यू हैव टू गेट इट चेक्ड बाय योर मेंटर, आपको प्रूफ रीडिंग करवाना होता है, एंड देन यू कम अप विद अ वेरी गुड आंसर, एंड देन वही आपको इंटरव्यू में बोलना होता है. सो इंटरव्यू प्रिपरेशन में अगेन ऐसे चार, मेनली पांच ब्रॉड बकेट्स है, लाइक वन इज योर एचआर क्वेश्चंस, सेकंड इज योर एकेडमिक्स, एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके प्रोफेसर्स, थर्ड वन वुड बी योर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो, या इंटर्नशिप भी रहेगा तो भी इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, आपको उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. फोर्थ वन वुड बी करंट अफेयर्स, तो हमारे टाइम पे अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग वाज वेरी हॉट,
मतलब काफी हॉट टॉपिक था, हम लोग को, हमको बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसके बारे में पूछा गया था। तो ऐसे अच्छा आपके भी अटेम्प्ट में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा विच वुड बी वेरी हॉट एट दैट टाइम, एंड वो आपको प्रिपेयर करना होगा। और करंट अफेयर्स के बाद होगा एक एक सेक्शन होता है एक्सेम्परी बोल के। सो एक्सेम्परी में आपको लाइक हाफ अ मिनट दिया जाता है टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। आपको एक स्पॉन्टेनियसली एक टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू यू हैव हाफ अ मिनट टू थिंक अबाउट इट एंड 1 मिनट टू स्पीक। सो ये सारे कॉलेजेस नहीं करते, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द, मतलब कोई कोई कॉलेजेस करते हैं, कोई कोई नहीं करता। सो इट ऑल डिपेंड्स, आई मीन ये जो मैंने ब्रॉड 5 बकेट बताया उसमें से आपको लेट्स से आपको डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, कोई कॉलेजेस आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछे ही नहीं। अगर आपको लेट्स से कोई आपको हॉबी, आपको कोई हॉबी है तो लेट्स से एक एंटायर इंटरव्यू में सिर्फ आपके आपके हॉबी के बारे में डिस्कशन होगा। इफ आई लाइक टू प्ले फुटबॉल तो वो फुटबॉल के बारे में डिस्कशन हो सकता है पूरा एंटायर इंटरव्यू। सो इट हैपेंस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम एंड आप कहीं ना कहीं तो आपके वो डे के ऊपर डिपेंड करता है एंड प्रोफेसर्स के ऊपर। राइट। सो इंटरव्यू के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू नो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस फॉर इट एंड ट्राई टू फ्रेम योर आंसर्स वेल एंड एकेडमिक्स एंड जो भी आपके जो भी ब्रॉड बकेट्स मैंने बताया अगर आप उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा केटर कर लेते हो तो फिर यू आर गुड टू गो ऑन द एग्जाम डे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन आई एम, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ आई एम्स एंड अदर कॉलेजेस एज वेल, राइट। सो लाइक अहमदाबाद के अलावा आपका कौन कौन से आई एम में हो गया था? सो मेरा कन्वर्ट हुआ है आई एम अहमदाबाद, आई एम कोड़ीकोड, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, एम डी आई गुड़गांव एंड या दीज आर द 4 to 5 मेजर कॉलेज। अगर कुछ अच्छा कॉलेज हुआ तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, दीज आर द 4 to 5 गुड कॉलेजेस दैट आई एम एबल टू रिकलेक्ट दैट मेरा हो गया एंड आई एम स्टिल अवेटिंग फॉर द आईआईएफटी रिजल्ट, बट अगेन इट डजंट मैटर, अभी आई एम अहमदाबाद हो गया था, डजंट एडवांटेज। सो यही था, यही स्ट्रेटेजी था। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग आई एम्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, आई एम लखनऊ भी मेरा हुआ था बट मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ एंड वहाँ पे मेरा मेरे को काफी एकेडमिक्स के बारे में पूछा गया, बट एट द सेम टाइम आई एम अहमदाबाद में मेरे को तीनों सेक्शंस के बारे में पूछा गया था लाइक वर्क एक्सपीरियंस, करंट अफेयर्स एंड मेरा क्या बोलते हैं एकेडमिक्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द डे एंड ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर एज वेल। अगर हमको ग्रिलिंग करना है तो आपको ग्रिल करेंगे, अगर आपको इफ दे वांट टू कीप इट सिंपल दे विल कीप इट सिंपल। राइट राइट। सो आपको कहीं ऐसा लगा कि सीए होना आपके लिए कहीं एक प्लस पॉइंट होता है या फिर सीए से क्या आपको लेवरेज मिला, क्या आपको एक एडवांटेज टाइप कह सकते हैं वो मिला आपको इसमें? डेफिनेटली यस, सीए के केस में सो मेरे को पॉइंटर्स तो मिले ही थे फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड सीएस आर वेरी वेल वेनरेटेड एज इन उनको भगवान माना जाता है ड्यूरिंग द पीजीपी कोर्स एज वेल, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारा कहीं ना कहीं तो मास्टरी होता है तो इंजीनियर्स एंड बाकी लोगों को थोड़ा अकाउंटिंग में काफी दिक्कत होता है। सो ऐसे कितनी बार हुआ है कि सीएस लोगों को सेशंस डिलीवर करना पड़ता है फॉर देयर फ्रेंड्स और ड्यूरिंग द पीजीपी कोर्स, तो सीए ऑब्वियसली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, tangible as well as intangible value. Tangible in the sense that you know aapko marks milta hai academic diversity ke liye. Achha. And if you are a all india ranker then to you are getting a lot of pointers for it. Aur bahut sare case mein to hua kaisa hai ki if you are a let's say top 10 rankers mein hai to mere hisab se this is happening with IIM Bangalore. IIM Bangalore agar aap top 10 rankers mein se hai CA rankers mein se aapko IIM Bangalore seedha call kar leta hai. अच्छा, आपको बस आपका मिनिमम कट ऑफ कंप्लीट करना होता है, मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर दो तो आई एम बैंगलोर गिव्स यू दैट कॉल। सो वो सब होता ही है, वो सब बेनिफिट होता है एंड कैट के लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसा एडेड एडवांटेज नहीं है क्योंकि दोज आर वेरी जनरल सेक्शंस, लाइक आपको कोई ऐसा प्रीरिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट सीए करने पर ज्यादा आपको डिसएडवांटेज होता है क्योंकि आपका मैथ्स से कहीं ना कहीं तो हाथ छूट जाता है। सो कैट पर्टिकुलरली कैट उसमें ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, बट हाँ अगर आप इंटरव्यू स्टेज में बोलो और आप इंटरव्यू मतलब लाइक प्री इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए बोलो या फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू डे बोलो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। एंड इवन इफ डिस्पाइट द फैक्ट दैट इफ यू आर अगर लेट्स से कोई जिनका सीए नहीं हुआ जिनका सिर्फ आईपीसीसी हुआ तो भी वैल्यू मिलता है क्योंकि मेरा अच्छा, एक फ्रेंड सेमी क्वालिफाइड सीए की कैटेगरी में है। यस यस यस, उनको भी वैल्यू मिल जाता है, मे बी टैंजिबल वैल्यू नहीं मिलता होगा, मे बी मार्क्स में नहीं मिलता, बट अगेन यू कैन डेफिनेटली से दैट यू नो आई हैव क्लियर्ड माय इंटरमीडिएट एंड देन आपका कहीं ना कहीं तो इंटरव्यूज के अराउंड भी घूम सकता है। अच्छा राइट। तो आपके कैट के अलावा और कौन कौन से एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ? सो मैंने कैट के अलावा जैट दिया था, आईआईएफटी दिया था और एनमैट दिया था, ये चार एग्जाम्स दिए थे मैंने।
सो कैट में मेरा परसेंटाइल था 99.37 एंड जैट में 99.98 था. एंड मेरा ऑब्वियसली कैट में तो अहमदाबाद कन्वर्ट हो गया एंड जैट में मेरा एक्सेल में जमशेदपुर भी हुआ था. जैट अच्छा के लिए पर्टिकुलरली मैंने नो तीन और सेक्शंस के बारे में ये किया था, प्रिपेयर किया था. लाइक जैट में यू हैव थ्री सेक्शंस, थ्री एडिशनल सेक्शंस कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. सेकेंड वन वॉज जनरल अवेयरनेस एंड थर्ड वन वॉज अपना एसे राइटिंग. सो ये ओके थ्री आपके, ये तीन आपके लेगेसी सेक्शन से थोड़े अलग है. मतलब आपके ये तीन एडिशनल सेक्शन है अपार्ट फ्रॉम द थ्री सेक्शन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. सो इसको भी आपको कहीं ना कहीं तो 1-1.5 मंथ मिलता है टू प्रिपेयर फॉर इट. एंड देन यू नो आपको कहीं ना कहीं तो वो भी करना होता है. सो एसे राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एग्जाम डे में होता है, राइट? यू अच्छा नो सो कैट के बारे में कैसे होता है, आईआईएम्स में आपका एक ये होता है सेक्शन होता है बैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट. एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट इज पर्टिकुलरली फॉर आईआईएम अहमदाबाद एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल दी अदर कॉलेजेस. नाउ रिटन एबिलिटी टेस्ट में ये भी समवट एसे राइटिंग ही होता है बट स्ट्रक्चर्ड एसे राइटिंग होता है. एंड ऐसे आपका इसमें जैट के केस में आपको एग्जाम दिन में करना होता है. एग्जाम दिन में वो टॉपिक, कोई भी आपको तीन टॉपिक मिलता है उसमें से आपको एक टॉपिक में लिखना होता है. एंड आईएएम्स के केस में वो आपको इंटरव्यू डे में करना होता है, वही एक डिफरेंस होता है. एंड और आपका डिसीजन, आपका जैट के केस में आपका जनरल अवेयरनेस और एसे राइटिंग के मार्क्स जो है वो परसेंटाइल में कैलकुलेट नहीं होता. सो अच्छा दिस इज द नुआंसेस दैट यू हैव टू केटर फॉर जैट. बाकी तो मोर और लेस ओवरलैप तो काफी ज्यादा है, 60-70% ओवरलैप है कैट और जैट में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आईएफटी दिया था. मोर और लेस ये कैट और जैट अगर आप प्रिपेयर कर ले तो आईएफटी का भी आपका कहीं ना कहीं तो प्रिपरेशन हो जाता है. ग्रेट ग्रेट. सो आपको मतलब जिस तरीके से है ना, आपने एग्जाम दे दी, फिर कन्वर्जन भी हो गया, सब हो गया, बट एक टाइम गैप होता है बीच में, जो एक एक दो महीने का टाइम गैप मिलता है आपको पूरा ज्वाइन करने में. तो तभी आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या स्किल्स आपको एक्वायर कर लेनी चाहिए? लाइक आप पर्सनली बात करें तो आप अभी क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम में? या सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. एंड मैं अभी 4 जून को आई एम ज्वाइन करने वाला हूँ आई एम अहमदाबाद. एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज आपके पास काफी ज्यादा टाइम होता है, एज इन 1-1.5 मंथ आप फ्री हो. तो मे बी यू शुड ट्राई टू परस्यू समथिंग दैट वुड यू नो हेल्प यू ईज योर स्ट्रेस ड्यूरिंग योर पीजीपी कोर्स. लाइक ओके मैंने ऑब्वियसली केस स्टडी कॉम्पिटिशन में काफी पार्टिसिपेट किया है एंड अच्छा उसमें से मैं एक केस स्टडी कॉम्पिटिशन में नेशनल फाइनलिस्ट भी हुआ है ना. तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जो आपको आपका ना जर्नी थोड़ा सा मतलब आपको सीवी में पॉइंटर्स भी मिले. लाइक अल्टीमेटली एवरीवन इज गोइंग फॉर प्लेसमेंट. अगर राइट आपको सीवी में कुछ एडिशनल पॉइंटर्स मिल जाते हैं, लेट्स से आप बोल रहे हो कि यार मैं एक नेशनल फाइनलिस्ट था कोई केस स्टडी कॉम्पिटिशन में, देन इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर सीवी, राइट राइट राइट? राइट तो ये 1-1.5 मंथ में आप कुछ ना कुछ, कोई अगर आपको सर्टिफिकेशन कुछ परसों करना है गो फॉर इट. अगर आपको कोई कोर्स लर्न करना है फ्रॉम यूडेमी या फिर कोई टॉप रिप्यूटेड इससे, कोई जो भी आपके वेबसाइट्स है, कोई भी आपको अच्छे कोर्सेज मिल रहे, ट्राई टू परसू इट. एंड देन यू नो इट विल एक्ट एज अ सीवी पॉइंटर इन योर राइट सीवी. राइट राइट सो ऐसे कुछ करो जो एड दैट एड्स वैल्यू टू योर सीवी. एंड अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस में आपको प्रिपेरेटरी कोर्सेज भी होता है करने को. सो ओके ड्यूरिंग ड्यूरिंग दीज मंथ्स दिस स्टेज यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दोस कोर्सेज एज वेल. आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है टू विच एवर कॉलेज यू विल बी गोइंग टू. एंड या दीज आर द ब्रॉड बकेट्स दैट यू विल हैव टू केटर टू. लाइक कुछ परसों करना है तो करो, या फिर आप चल भी मार सकते हो. लाइक 1-1.5 मंथ के सही बाद है, आपको काफी सही, स्ट्रगल हो क्योंकि गई. फिर वापस, हाँ वही जाना ही है, वापस से कॉलेज में पूरा वो लाइफ. तो सीरियस, आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब है ना, कि किस तरीके से, मतलब अगर किसी को भी अपनी जॉब छोड़ के एंड पूरा अपना वापस से एमबीए का पूरा प्लानिंग करना है, एग्जाम के लिए पूरा प्लान करना है, सो एक जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए वो फर्स्ट स्टेप? राइट बीट आप क्या जॉब छोड़ने के रिसर्च लिए आप बोल रहे पूरा हो? कर रहे हो? नहीं, जो पूरा जो रिसर्च पार्ट होता है, लाइक इफ लाइक आई एम नॉट अवेयर ऑफ होल करिकुलम की किस तरीके से क्या करिकुलम होना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप की मुझे शुरू कहाँ से करना चाहिए? नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एंड इसीलिए मैं जब एम्प्लॉयमेंट में था मैंने अपना फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन नहीं किया था. एज इन मैं बस नो आई वाज ट्राइंग टू कोलेट रिसोर्सेज. लाइक मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ, किन किन ट्यूटर्स को
फॉलो कर सकता हूँ, क्या क्या फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास, कितने नंबर ऑफ मॉक्स लिखने चाहिए मेरे को. सो ये सब के बारे में मैं आइडिया कलेक्ट कर रहा था. आइडिया नहीं, मैंने फरवरी से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बट कहीं ना कहीं तो मैं ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था. एंड डेली बेसिस पर जितना मुझसे होता था मैं छोटा छोटा स्टेप्स लेता था टूवर्ड्स माई प्रिपरेशन. एंड सो टू स्टार्ट विद मे बी आप यू नो यूट्यूब में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स का आपको मिल जाएगा, लाइक क्रैकू का है, आपको अन अकेडमी का मिल जाएगा, आपको दो तीन और क्लासेस है जो आपको ना फ्री रिसोर्स है, आई कॉन्टा करके क्लासेस है, आपको मल्टीपल क्लासेस मिल जाएंगे वहां पे, आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे. एंड देन मे बी यू विल बी एबल टू चूज कि आपको कौन सा क्लास ज्वाइन करना है. सो ये टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चूज किन लोगों को फॉलो करना है. एंड देन जब भी आप ऑफिस जब भी आप जॉब छोड़ोगे, लेट्स से यू हैपन टू मेक अ डिसीजन कि यार मेरे को जॉब छोड़ना है, देन मेरे को यही अटेम्प्ट में क्लियर करना. सो जॉब छोड़ने का भी रीजन ये था कि मेरे को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना. अगर आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लाइक लेट्स से अगर आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हो कैट का, देन इट्स ओके, यू नीड नॉट लीव योर जॉब. बट मेरे को 6 महीने में कम्प्लीट करना ही था, मेरे को ये अटेम्प्ट में क्लियर करना था बिकॉज ऑफ माई एज फैक्टर. सो अनलेस एंड अंटिल दैट यू नीड नॉट लीव योर जॉब. And job, आपका जॉब छोड़ने के बाद यू शुड बी कम्प्लीटली फोकसिंग टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन स्टेज में आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो प्लानिंग पहले से आपकी हो जानी चाहिए पूरी. एग्जैक्टली आपका जब भी आप ये हो जाओगे, आप जब भी रिजाइन कर लोगे, यू शुड बी फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द प्लानिंग and not planning per se. So planning आपको कहीं ना कहीं तो properly कर लेना चाहिए already, and during the preparation time आपको सिर्फ एक्चुअल execute करना है, and एक ना daily basis पर आप plan करना चाहिए. Like you know when I used to get up in the morning, I had my entire day planned. Like मेरे को दिन में क्या करना है, कितना topic cover करना है. तो अगर आप daily basis पर आप plan करोगे तो incremental value आप add करते रहोगे, and आपका कहीं ना कहीं तो overall जो deadline है, cut off date है, वो सब आप meet कर पाओगे. ग्रेट ग्रेट. तो जो क्लासेस होते थे अनअकैडमी के, दैट इज लाइक रिकॉर्डेड बेसिस पे होते थे कि लाइव बेसिस पे होते थे? बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि जॉब एक बार करने के बाद एंड वापस से पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन कैसे लाए आप, क्योंकि अगर लाइव होता है तो ये होता है कि हाँ इतने बजे से इतना बजे होना है, हमें बैठना ही है, वो अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाता है, राइट? तो आपका कैसे हुआ करता था डिसिप्लिन के बारे में? सो अनअकैडमी तो लाइव भी देता है और रिकॉर्डेड सेशंस भी देता है. फॉर मी सो इन लोगों का कैसा है, अनअकैडमी वाले ना प्रिपरेशन तो यू नो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट कर देता है. अच्छा. right? तो मेरा तो प्रिपरेशन काफी मिडिल स्टेज में हुआ था, जून मंथ से हुआ था. right. तब तक तो मेरा अच्छा खासा बैकलॉग जमा हो गया था. तो आई डिडंट हैव दैट लीजर टू यू नो वॉच दोज लाइव लेक्चर्स. मेरा बैकलॉग कंप्लीट करते करते मेरा टाइम चला गया था. तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज था. बट अगेन आई फेल्ट कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इज जब भी मैं रिकॉर्डिंग सीखता था, लेट्स से कोई सम सिखा रहे, तो मैं उस रिकॉर्डेड लेक्चर को पॉज करके मैं उसको खुद से ट्राई करता था सॉल्व करने को, एंड देन फिर मैं सॉल्यूशन देखता था. तो कहीं ना कहीं तो मेरा प्रैक्टिस भी मेरा साथ में ही हो रहा था व्हेन व्हाइल आई वाज वाचिंग द लेक्चर. तो ऐसा नहीं हो रहा था कि यार यू नो मैं पूरा लेट्स से पूरा लेक्चर देख के, एंड मेरा सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा था, मेरा से पूरा लेक्चर देखने में टाइम जा रहा था, मेरा दोनों साथ में हो रहा था. Right. तो ये एक बेनिफिट मिलता है व्हेन यू आर वाचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर. अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो देन या लाइव लेक्चर्स मेक सेंस फॉर यू. एंड इनिशियल मंथ्स में थोड़ा वो सी पॉइंट इज मैं जब भी जॉब छोड़ा था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने राइट फ्रॉम द डे वन मैंने 10-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. आपको कहीं ना कहीं तो एक टारगेट सेट करना होगा कि लेट्स से मैं आज के दिन में 3 घंटे से स्टार्ट करूंगा, अब दिन में 2-3 घंटे से स्टार्ट करो, इंक्रीज इट टू 3-3.5 आवर्स, 4 आवर 5 4 आवर. अब डे वन से आप 10 आवर्स का टारगेट करोगे तो इट वोंट बी अचीवेबल. Right. आपको कहीं ना कहीं तो छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना होगा, एंड देन यू एम फॉर यू नो बिग नंबर ऑफ आवर्स. सो वही मेरा टारगेट था कि यार मेरे को धीरे धीरे स्टार्ट करना, एंड देन फिर लास्ट में मेरे को जो भी फाइनल डे पे तो आई स्टडीड फॉर 7-8 आवर्स पढ़ लिया तो बस हो जाता है. डेली बेसिस पर इतना टाइम डिवोट करते तो इट्स मोर देन इनफ. ओके ओके. सो यस जस्ट लाइक अभी ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट एड्रेस डेट, बट आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? वेल एक मैसेज देता हूँ मैं. इनफैक्ट मेरे मोस्ट ऑफ द सेशंस में मैं एक कोट बोलता हूँ, एंड आई लव इट सो मच. सो एक कोट है कि यू नो वर्क यू नो स्वेट इन पीस देन टू ब्लीड इन वॉर. लाइक यू नो सो होता कैसे है कि
एग्जाम डे पे आपको तकलीफ होने से अच्छा आप पहले ही उस एग्जाम डे का प्रिपरेशन कर लो. सो राइट राइट गुड नंबर ऑफ मॉक्स एंड नो राइट क्वालिटी मॉक्स. उसके बाद आपको एग्जाम डे पे भले ही लेट्स से आपका कोई एक सेक्शन वीक हो जाए. सो माय इन माय केस एलआरडी वाज माय वीकर सेक्शन एज इन मेरा ज्यादा मार्क्स नहीं आया था उस पे, बट येट आई वाज एबल टू स्कोर 92%. सो मैंने एम तो 99% का ही किया था, बट एग्जाम डे में अगर आपका कुछ वो बने भी नहीं, अगर आपका लेट्स से कोई मेसअप हो भी गया तो भी आप कोई ना कोई तो बाकी दोनों सेक्शन से आप कवर कर लोगे एंड वो सेक्शन में येट यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 90%. So, वही आपको करना है कि एक सेक्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करने का होता है एंड बाकी दोनों सेक्शन में आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना. जैसे यहाँ पे सीए का एग्जांपल ले लो तो होता है ना वो कि किसी सब्जेक्ट में एग्रीगेट टारगेट करना है कि 60+ ताकि वो आराम से जो 50 वाला एग्रीगेट है वो हम क्लियर कर ले, तो वो सेम exactly. एग्जैक्टली. सो दैट्स द स्ट्रेटजी एंड राइट. सो दिस इज द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव. Certain peace and to wait in war. Exam day के लिए ज़्यादा stress मत लो. Exam day में chill मार के जाना चाहिए. As in, मैंने तो एक दो दिन पहले मैं तो सिर्फ formulas revise कर रहा था, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ रहा था मैं. Formulas वगैरह revise करता. Exam time पे वैसे भी कुछ नया पढ़ना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा panic हो जाते हैं. Exactly. It's just the routine thing. आप revise वगैरह कर लो, formulas वगैरह and chill मार. अच्छा. So it was literally like I enjoyed this session a lot. मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली, but क्योंकि इतना ज्यादा in depth हमें नहीं पता होता है जब तक कि हम लोग उस चीज में आते नहीं है, right? तो बहुत ही अच्छा session रहा सीजेस आपका, and thank you so much to accept my invite for the session. Thank you so much Gunjan, आपने मेरे को invite किया. And I would wish all the best to जो भी आपके viewers हैं, I would like to wish all the best and जो भी कैट एस्पिरेंट्स है उन लोगों को भी मैं बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा.